उधर धौलपुर में निचले इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। दरअसल पार्वती बांध के 4 गेटों को खोल दिया गया। कल शाम पार्वती बांध में जल स्तर बढ़ने से 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। बांध के 4 गेट को 0.60 मीटर तक खोला गया, जिनसे पानी की निकासी फिलहाल की जा रही है। पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है। इसके पूरा भरने पर पार्वती बांध में 120.88 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आता है। उधर सवाई माधोपुर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार बारिश के चलते नदी नालों में उफान है। पानी की वजह से कई जगह जाम लगने लगा है। रेलवे अंडरपास में भी पानी भर चुका है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। समय रहते बारिश और बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। राजस्थान के सीकर जिले से बूंदी तक और अजमेर से भरतपुर तक ऐसी बारिश हुई, लगा जैसे जल प्रलय आ गई। मूसलाधार बारिश के बीच राजस्थान के ही सवाई माधोपुर जिले में श्रद्धालुओं का एक जत्था बाढ़ में बुरी तरह फंस गया, क्योंकि जब श्रद्धालुओं का वो जत्था त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन करके लौट रहा था, तभी रास्ते में अचानक पानी बढ़ गया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। जंगल के बीच फंसे श्रद्धालु अपनी जान बचाकर पत्थरों पर बैठे दिखाई दिए। उनके सामने से पहाड़ी से आ रहा तेज रफ्तार पानी पेड़ों और पत्थरों को चीरते हुए आगे बढ़ता दिखा। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई सड़क को पार करने की। श्रद्धालुओं के मुताबिक जब वो दर्शन के लिए ऊपर गए थे तो हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरे बाढ़ ने उनका रास्ता रोक लिया। जिस सड़क को पार करके उन्हें आगे जाना था उस पर करीब 5 फीट पानी पूरी रफ्तार से बहता दिखा। सूचना मिलने के बाद SDRF की टीम वहां पहुंच गई और करीब 7 घंटे बाद सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया जा सका। वहीं श्योपुर में बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 5 दिनों से वहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। श्योपुर के कई गांव में आफत की बारिश से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। महुआ अमार गांव के कई घरों में पानी भरने से लोगों की दिक्कतें सामने आ रही है। खाने पीने के सामान सब कुछ जो है वो पानी में डूब चुका है। श्योपुर के बाद आपको गंगापुर सिटी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बारिश के पानी ने लोगों की नाक में दम कर दिया है। वहां कई घरों में पानी घुस गया। हालात तो ये हो गए कि घरों में आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। कई लोग हिम्मत करके जैसे तैसे पानी से बाहर निकलकर सड़कों पर जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से बाटोदा इलाके के लोग खौफजदा हो चुके हैं। तो पहाड़ों पर भी आसमानी आफत ने कहर मचाया हुआ है। कहीं पर जमीन खिसक रही है तो कहीं पर बारिश ने जीना मुहाल कर दिया है। और इन सबके बीच में उत्तराखंड की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर 3 जिलों में उत्तरकाशी चमोली बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं हरिद्वार की बात करें तो लगातार बारिश से वहां पर लोग बेहद परेशान है। आसमानी आफत से सैलानी के माथे पर अब शिकन आ चुकी है। हरिद्वार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लोगों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। गंगा नदी ने भी अब अपना रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से अब लोगों को बेहद परेशानी का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के बाद आपको हिमाचल की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर लगातार लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है। किन्नौर के निगुलसरी के पास जमीन खिसकने से वहां नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। किन्नौर और लाहौल स्पीति के इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड से वहां के लोग बेहद परेशान हैं। लैंडस्लाइड से पर्यटन और उनके कारोबार पर काफी असर पड़ता हुआ नजर आया। लैंडस्लाइड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किन्नौर की तस्वीरें देखिए, हालांकि ये पहली तस्वीर नहीं है किन्नौर की। लगातार किन्नौर में लैंडस्लाइड हो रहे, जिसकी वजह से कई सड़कें कई नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। हिमाचल के किन्नौर के बाद आपको ऊना की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भारी बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया। भारी बारिश और बाढ़ से वहां पर काफी नुकसान हुआ है। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बाढ़ बारिश से प्रभावित हरौली विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, लोगों से बात कर उन्हें मदद का आश्वासन दिया। रविवार को हुई बारिश और बाढ़ से हरौली विधानसभा क्षेत्र में सड़क, वाटर प्रोजेक्ट और बिजली की स्कीम को बहुत नुकसान पहुंचा है। पिछले दिन हुई भारी बारिश से ऊना जिले में 14 लोगों की मौत हो गई थी।
और अब बिहार की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर बिहार के मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से सिर्फ 71 सेंटीमीटर नीचे है। अब आप ये समझिए, गंगा में जलस्तर बढ़ने से कई निचले गांव जो है वो टापू में तब्दील हो चुके हैं। कृष्णानगर गांव में करीबन 25 घर पूरी तरह से पानी में डूब गए। गांव के लगभग 200 लोग हाईवे के किनारे अब रहने को मजबूर हैं।